जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है MI A3 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MI A3 के जून मंथ के अपडेट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद MI A3 का परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ पे जो आपको पहले बक्स मिलते थे वो फिक्स हुए हैं नहीं और कोई नया फीचर ऐड किया गया है नहीं, और ओवरऑल फोन का परफॉर्मेंस कैसा है इंक्लूडिंग कैमरा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आप अगर अपने फोन की सेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके देखेंगे तो आपके फोन में भी आपको एक नया अपडेट शो हो जाएगा। हर अपडेट की तरह ये भी आपको इसमें यहाँ भी बेसिक डिटेल्स मेंशन है चेंज लॉग में। यहाँ पे आपको जून 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, बाकी आपकी डिवाइस में थोड़े बहुत सिक्योरिटी को लेकर इंप्रूवमेंट किए गए हैं, डिवाइस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ पे अपडेट की जो साइज है वो है 20.58 MB, मैंने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो आप भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लीजिए। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अपडेट का जो बिल्ड नंबर है वो है वर्जन 12.0.11.0, वहीं पे मैं बात करता हूं तो आपको इसमें 5 जून 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे फिंगरप्रिंट और फेस आईडी, इसकी स्पीड भी आपको जैसे पहले मिलती थी वो भी वैसे ही मिलती है, बट यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एवरी टाइम जितनी बार आप अपने फिंगरप्रिंट को टच करते हैं यहाँ पे आपका फोन अनलॉक हो जाता है। वहीं पे मैं बात करता हूँ फेस अनलॉक की, तो आप देखेंगे इंस्टेंट आपको यहाँ पे आपका फोन अनलॉक हो जाता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे एप्लीकेशन में जो ओपनिंग टाइम जैसे आपको पहले मिलती थी वैसे ही मिलेगी, इसमें भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। बाकी स्क्रॉलिंग में भी आपको थोड़ा सा जो जिटरीनेस नोटिस होता था स्पेशली रिसेंट टाइम में, वो सारी चीजें अभी भी इसमें आपको नोटिस होंगी, इसको फिक्स नहीं किया गया है। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैंने अपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट किया, ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट किया, हॉटस्पॉट को थोड़ा टाइम यूज किया, तीनों बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ना तो आपका वाईफाई नेटवर्क ड्रॉप होता है, ना जो पहले प्रॉब्लम होती थी हॉटस्पॉट बंद हो जाता था वो भी इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो इशू नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम हो रही थी छोटी छोटी इनको इस अपडेट ने फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले मैं बताऊं कैमरा एप्लीकेशन में ही जब मैं मॉर्निंग में यहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहा था सैंपल्स के लिए, तभी मैंने नोटिस किया कि जैसे ही हम फोटोज से यहाँ पे बैक कैमरे से फ्रंट कैमरे में शिफ्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा लैग नोटिस हो रहा था, और कैमरा में फोटोज को क्लिक करते टाइम यहाँ पे फोन का टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर चुका था, तो यानी अभी कैमरा में थोड़ा बहुत इशू है। बाकी कैमरा सैंपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसे आपको पहले फोटोज मिलती थी फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी है, कुछ कंडीशन में फोटोज थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड हो जाती है। बाकी सेल्फी वगैरह में देख सकते हैं आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है, फोटोज काफी अच्छी आ जाती है। एक प्रॉब्लम जो पहले थी दोस्तों कि सनलाइट में पोर्ट्रेट मोड वर्क नहीं करता था, वो अभी भी इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हीटिंग की, तो फोन में अभी भी आप हीटिंग नोटिस करेंगे। मैंने तो नॉर्मल कैमरा सैंपल्स के लिए जैसे कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया, दो चार फोटोज को ओपन किया, तुरंत ही फोन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फोन हीट कर गया। साथ ही मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग की, तो बैटरी ड्रेनिंग की मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है, बाकी 1.5 साल पुराना फोन है तो थोड़ा बहुत पहले से बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करें वही अप्रॉक्स आपको 2 घंटे 25 से 30 मिनट का चार्जिंग टाइम पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है। अगर आपने हमारी चार्जिंग टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको MI A3 में BGMI टेस्ट देखना है कंप्लीट एक वीडियो, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए जरूर ही MI A3 का BGMI टेस्ट वीडियो ले आएंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।